है पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। थोड़ा जनपद के थाना महावन क्षेत्र अंतर्गत दिन दहाड़े किराना व्यापारी के साथ तमंचे के बल पर हुई हजारों की लूट। चार लुटेरों ने दो बाइकों पर आकर की व्यापारी के साथ लूट। यमुना एक्सप्रेस वे घटना खप्परपुर के समीप की। सोमवार शाम थाना महावन क्षेत्र के अंतर्गत बलदेव महावन मार्ग पर यमुना एक्सप्रेस वे कुल संख्या 121 के समीप स्थित है किराना व्यापारी की दुकान, जो की छोली का रहने वाला है और किराने की दुकान पर व्यापार कर रहा था। इसी बीच शाम को दो बाइकों पर सवार चार युवक आए और दुकानदार से सामान लेने के बहाने उसकी दुकान में जा घुसे और उसके कनपट्टी पर तमंचा रख दिया और उसके गले में रखे लगभग 70,000 लूट कर फरार हो गए। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और सूचना पाकर महावन थाना पुलिस, बलदेव थाना पुलिस प्रभारी मौके पर पहुंच गए और पीड़ित व्यापारी से जानकारी लेने में जुट गए। बताया जा रहा है कि व्यापारी के अनुसार उसकी दुकान पर दो बाइकों पर चार युवक आए थे और कुछ सामान लेकर भागने लगे। इसी बीच दो युवक उसकी दुकान के अंदर जा घुसे और उसके कनपट्टी पर तमंचा रख दिया और गले से 70,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। आपका क्या नाम है? आप रजत नामे में छोली गांव जी। क्या घटना हुई है? चार लोग आए थे मोटरसाइकिल पे, दो मोटरसाइकिल थी, दो दो लोग थे दो मोटरसाइकिल पे जी। मेरी दुकान के आगे सामने खड़े हुए थे, फिर उन्होंने काउंटर क्रॉस करके मेरी कनपट्टी पे कट्टा रख दिया था और मेरे पैसे छीन लगे मुझसे। 70,000 प्लस ही थे, 70,000 के ऊपर 70-75,000 रुपये। तो आपने शोर वोर नहीं मचाया? शोर वोर यहाँ पे कोई नहीं था, मैं अकेला था।